क्या थर्ड फ्रंट बना रही है मायावती? क्या एनडीए और इंडिया को टक्कर देगी बीएसपी? केसीआर गारिनि कलिसिनंदुकु चाला आनंदंगा उंदि। तेलंगाना से एमपी तक ये है माया प्लान। तेलंगाना से आई तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मायावती की रणनीति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। किसी भी गठबंधन में शामिल ना होने की बात कहने वाली बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तेलंगाना में अपनी विरोधी पार्टी बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के साथ चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लिया है। तेलंगाना बीएसपी के चीफ आरएस प्रवीण और बीआरएस प्रेसिडेंट के चंद्रशेखर राव अब लोकसभा चुनाव में मिलकर मोदी के एनडीए और कांग्रेस के इंडिया अलायंस को टक्कर देने का मन बना रहे हैं। देश में कुछ हफ्तों के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और देश की जनता नई सरकार को अपने वोट की ताकत से चुनेगी, इसलिए पूरे देश का माहौल फिलहाल चुनाव में हो गया है। एक तरफ विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन है, लेकिन इन दोनों ही गठबंधनों के अलावा तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। खुद बसपा अध्यक्ष मायावती की रणनीति को देखते हुए सियासी गलियारों में इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या मायावती लोकसभा चुनाव से पहले ही थर्ड फ्रंट का गठन करने वाली हैं। सवाल है कि क्या मोदी को चुनौती देने के लिए मायावती गैर कांग्रेसी दलों को साथ लाकर बड़ी चुनौती पेश कर सकती हैं। दरअसल बसपा इंडिया और एनडीए गठबंधन से लगातार दूरी बनाए हुए है, लेकिन इनसे अलग लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे दलों का साथ भी तलाश रही है। इसी कड़ी में तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की पार्टी के साथ बसपा ने गठबंधन कर लिया। मजेदार बात यह है कि तेलंगाना में आरएस प्रवीण की पूरी राजनीति ही बीआरएस के विरोध में थी, लेकिन अब वो साथ आ चुके हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने केसीआर से मुलाकात की थी तो आरएस प्रवीण ने इसे दुश्मनों से हाथ मिलाना करार दिया था। ये आप जिस बहुजन राजनीति की बात कर रहे हैं, बहुजन राजनीति के नाम पे केसीआर भी काफ़ी एक्टिव हैं। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बाबा साहेब का हैदराबाद में बना दिया, उन्होंने अपने सचिवालय का नाम बाबा साहेब के नाम पे किया, और जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं आज़ाद समाज पार्टी से उनको भी वो लोग मिलने के लिए बुलाए और फोटो उन्होंने शेयर किए सोशल मीडिया पर। तो बहुजनों को तो वो लोग भी कह रहे हैं कि हम आपके भलाई करते हैं, हम आपके हितैषी हैं, तो आप अलग क्या करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी सवाल पूछने का। मैं ये कहता हूँ केसीआर जी को, देखिए आप बाबा साहब का नाम ले लिया, बाबा साहब का सेक्रेटरी सचिवालय को बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लगा लिया और बाबा साहब का बहुत बड़ा मूर्ति खड़ा कर दिया आपने। हमने ये पूछ रहे आपका कुर्सी बहुजनों को दे दो बाबा साहब का नाम पे, क्यों नहीं दे दो? क्यों पिछले 75 साल से आप ही सत्ता में हैं, क्या हम 100 में 99% हम हैं, 1% आप है, क्यों आप हमको कुर्सी नहीं दे रहे? बाबा साहब ने क्या कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की थ्रू विच यू कैन ओपन द यू नो लॉक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जब बाबा साहब पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की करके कहा है तो क्यों आप हमको पॉलिटिकल पावर नहीं दे रहे, क्यों आप वो कुर्सी हमारा हवाला नहीं कर रहे? हम ये सवाल पूछ रहे। अरे पुतली कर दिया तुम सेक्रेटरीट को बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लगा के उसी सेक्रेटरीट में तुमने क्या क्या फाइल साइन किया, 30,000 एकड़ का जमीन गरीब लोगों से छीन लिया तुमने। तो दलित चीफ सेक्रेटरी एक बनने वाली थी, वो दलित चीफ सेक्रेटरी को तुम नहीं बनने दिए और दलित बच्चों का हॉस्टल्स पूरा बंद कर दिए। तो इतना जुर्म कर रहे तुम बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लगा के सेक्रेटरी, ऐसा टोकनिस्ट हमें नहीं चाहिए, दिखाव नहीं चाहिए। अरे तुम चंद्रशेखर आजाद को बुला लिया तुमने, मुझे बहुत बुरा लगा कि हम अरे चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी करके लगाया और वो बोला बाबा साहेब अम्बेडकर का तस्वीर वो अपना पार्टी का उसमें भी लगा लिया, ठीक है, तो वो भी कह रहा है कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर का राज लेके आएंगे। तो वही चंद्रशेखर आजाद जी ने फिर केसीआर का पास आके फिर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक मतलब मेरे खिलाफ तो बयान नहीं दिया लेकिन केसीआर को तारीफ किया वो। तो मैंने ये मुझे ये बुरा लगा कि अरे जब बहुजन समाज पार्टी मानश्री कांशीराम के जरिए
और बहन जी कुमारी मायावती के जरिए जो बना हुआ बहुजन समाज पार्टी इतना अच्छा बढ़िया काम कर रहे तेलंगाना में, बहुजन समाज पूरा बहुजन समाज पार्टी के रैली हो रहे, आपको यहाँ आने का क्या जरूरत है? जिस दुश्मन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिस लुटेरा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिस जालिम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो इस जालिम के घर जाके तुम उसके साथ सत्कार करवा लिया, तो क्या ये अच्छा चीज है? तो मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज। लेकिन राजनीति शायद इसी का नाम है। तेलंगाना में गठबंधन हो चुका है और पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने छत्तीसगढ़ और एमपी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन किया था। इस समय हरियाणा में भी इनेलो से बात चल रही है, जिससे पक्ष विपक्ष के कोर गठबंधनों से इतर अपनी जमीन तैयार की जा सके। आने वाले दिनों में हरियाणा से भी बड़ी खबर आ सकती है। लेकिन लोकसभा चुनावों की तैयारी के बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने गठबंधन के रास्ते पर आगे बढ़कर सबको चौंका दिया है। ऐसे में राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो गया है। सब जानते हैं कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी ने भले ही यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन अन्य राज्यों में वो नए साथियों की तलाश में जुटी है। वैसे मीडिया में रह रहकर ये भी खबरें आती हैं कि यूपी में भी बसपा और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि बसपा अध्यक्ष मायावती कई बार कह चुकी हैं कि वो चुनाव से पहले गठबंधन नहीं करेंगी। यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। लेकिन सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सियासत वैसे भी संभावनाओं का ही खेल है। अगर चुनाव से पहले मायावती ने अपना मोर्चा बना लिया तो ना सिर्फ इंडिया गठबंधन को बल्कि मोदी के एनडीए को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। खबर है कि मायावती अब एमपी में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर बसपा अपने कैंडिडेट उतारेगी। ऐसे में विरोधियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसलिए सवाल उठता है कि क्या मायावती तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो देश की सियासत में कैसा उलटफेर देखने को मिलेगा। इन सवालों पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कि बहन जी को दूसरे दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि मायावती अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़के अच्छा रिजल्ट ला सकती हैं? इस पर आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक जरूर साझा करें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।